किसी के पास बकरी आई तो समझ लो कि उसके माल में बरकत आई। खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे माल में अगर सबसे ज्यादा किसी माल में बरकत है तो बकरी में है, जानवरों में सबसे ज्यादा बरकत है। इसी वजह से हुक्म भी हुआ काटने का कि तुम उन्हें ज़बह करो, अल्लाह ताला उसके बदले और पैदा करेगा। लेकिन क्या हमें कभी बिल्ली काट करके खाने का हुक्म दिया अल्लाह ताला ने? बिल्ली भी हर चार महीने पर चार चार बच्चे देती है, पांच महीने छह महीने नहीं गुजरते कि उसके पास चार पांच बच्चे होते हैं, लेकिन कहीं पर भी बिल्लियों को ज़बह करने का हुक्म नहीं दिया गया। दूसरे बहुत सारे जानवर हैं, कुरान पाक ने मना कर रखा है कि इन जानवरों को तुम काट नहीं सकते, ज़बह नहीं कर सकते, क्योंकि जो पैदा किया है वही बेहतर जानता है कि तुम्हारे लिए सूटेबल क्या है, तुम्हारे लिए मुनासिब क्या है, वो बेहतर जानता है।